हाई गाइज, आई एम साक्षी भावा एंड दिस इज़ माई चैनल नॉलेज कलोर. जैसे कि आप सभी को पता है, एंड हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर योर आई बी पी एस पी ओ. तो चलो विदाउट एनी फर्दर अडू हम बिगिन करेंगे. दिस इज़ पार्ट फाइव, आई थिंक. येस, पार्ट फाइव हम कर रहे हैं. एंड गाइज, मैं हर क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम रुकूंगी नहीं. आप वीडियो को पॉज करके उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रही हूँ. आई वॉन्ट टू गिव यू मैक्सिमम क्वेश्चंस इन मिनिमम टाइम. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं पेन लगा लेती हूँ अपना. ओके, द स्कूल इज मेड इट मैंडेटरी फॉर पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन अलॉन्ग विद द रिपोर्ट कार्ड साइन बाय देम. सो गाइज, यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए. बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूल इज मेड इट नहीं होना चाहिए. ये जो आपका वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड है, इसको हम हैज़ के साथ लिखेंगे. सो हैज़ मेड इट मैंडेटरी. सो रॉन्ग यूसेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इसका आंसर है. ठीक है, हैज़ मेड होना चाहिए वहाँ. नेक्स्ट one. While these organizations have a strong traditional hold, the reasons for forming a consortium in Asia is to encourage cultural diversity for their organizations. अब देखिए गाइज, यहाँ पर जो गलती है वो है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि देयर जो है वो एक पोजेसिव केस का प्रोनाउन है, एंड आई डोंट सी यहाँ पर कोई पोजेशन दिखाया हुआ है उन्होंने. यहाँ पर देयर आपका नहीं आएगा, सो पोजेसिव केस नहीं आएगा. नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आपको यहाँ यूज करना है. सो रॉन्ग यूसेज. ठीक है, सो यहाँ पर आप बोलेंगे कि वाइल दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल होल्ड, इनका स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल होल्ड है. रीजन क्या है कि कंसोर्टियम बनाते हैं? इनकरेज करने के लिए अपने ऑफकोर्स दीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट. सो यहाँ पर कुछ भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, कुछ पोजेशन है ही नहीं, तो देयर यहां पर नहीं आएगा, दीज आएगा. नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट सून विल मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू नोटिफाई इन्फेक्शन केसेस एज सून एज दे आर डिटेक्टेड. ठीक है, मैं टाइम इसीलिए देख रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सीड द वीडियो टू लॉन्ग. सो कब स्टार्ट किया वो देख रही थी. द गवर्नमेंट सून विल मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू नोटिफाई इन्फेक्शन केसेज एज सून एज दे आर डिटेक्टेड. सो यहाँ पर गाइज, हमारा जो एरर है ना वो ऑप्शन नंबर ए में है. मैं आपको रीज़न बताती हूँ उसका. यहाँ पर सून का जो पोजिशन है वो गलत है. सून एक एडवर्ब होता है गाइज, और आपको मैंने सिखाया हुआ है कि यू नो, जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, वो आपके हेल्पिंग वर्ब, अब इस केस में वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल वर्ब है, और मेन वर्ब के बीच में आते हैं. सो यहाँ पर आपका सून आएगा, तो आपका सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, द गवर्नमेंट विल सून मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू नोटिफाई. ठीक है, देन इट विल बी राइट. सो यहाँ पर पोजिशनिंग का एरर है, विल सून मेक होना चाहिए पार्ट ए में. नेक्स्ट वन, When the thief broke out, sorry, the thief broke into their house, they raised a hue and cry and the thief caught immediately by the people. So, देखिए गाइज, यहाँ पर possessive, passive voice में हम बात कर रहे हैं. Thief broke into the house, मतलब of course house के अंदर चला गया thief, and hue and cry सब लोगों ने raise किया, मतलब बहुत हल्ला मचाया, और thief ने थोड़ी catch किया है, thief को catch किया गया है ना. तो यहाँ पर आप एक helping verb तो ज़रूर लगाएंगे क्योंकि आपने V3 form दिया हुआ है, passive case में ये है. So thief was caught immediately by the people होगा, ना कि thief caught immediately, क्योंकि thief ने थोड़ी catch किया है. ठीक है, so was caught होगा, ये passive case में है. He is one of those few post-colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a cliche. So guys, देखिए, cliche का मतलब होता है something जो बड़ी ही boring, मतलब boring in the sense जो बहुत बार आपने बोली हो, it has become a cliche. That is when you say. यहाँ पर वो बोल रहे हैं he is one of those few पोस्ट कलोनियल राइटर्स. ठीक है, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ गाइज, वन ऑफ द के बाद जो है दोज, यहाँ पर उनको बोला गया इसीलिए दोज लगाया है, उसमें कोई गलती नहीं है. बट उसके बाद आपका नाउन जो है ना वो हमेशा प्लूरल आता है, एंड आपका वर्ब सिंगुलर आता है, तो वो तो सिंगुलर लगा है, बस राइटर को आप राइटर्स बना दीजिए. सो वन ऑफ द का ही रूल यहाँ पर लग रहा है. नेक्स्ट, Had the river overflown its bank, flood would have come. अब देखिए यहाँ पर वो conditional जैसा रूल है. सो आप देख रहे हो कि आप assume करिए कि यहाँ पर if लिखा हुआ है, right? So if यहाँ पर had
प्लस B3 लिखने की कोशिश की गई है. सो बट ये V3 एक्चुअली में उसका V3 नहीं है. सो दिस इज़ पास्ट परफेक्ट जो लिखने की कोशिश की गई है. ये मैं थर्ड कंडीशनल की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और बाकी ये बिल्कुल सही लिखा है अगर आपको रूल पता है तो, ठीक है ना. सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास वुड होता है और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एंड फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है. बट ये ओवरफ्लोन नहीं होगा गाइस, क्योंकि फ्लोन जो है वो फ्लाई का V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. तो आप यहां पर ये चीज देख ही लीजिए. सो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये तीन फॉर्म्स हैं, ठीक है. बट हम फ्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, पानी फ्लो होता है, हम इस वाले की बात कर रहे हैं. तो इसका V3 फ्लोड हमको यहां लेना होगा. सो ओवरफ्लोड हो गया है, ठीक है. हैड द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक, फ्लड वुड हैव कम. नेक्स्ट वन, माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर. सो गाइज, ऐसे काफ़ी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिसके बाद आप इन्फिनेटिव नहीं लगाकर V1 प्लस ING लिखते हैं, और माइंड उनमें से एक है. सो ऑप्शन नंबर बी में माइंड टू बी नहीं आएगा, माइंड बीइंग आएगा. माइंड के बाद मैं V1 प्लस ING लगाऊंगी, ठीक है. माइंड के बाद मैं V1 प्लस ING लगाऊंगी. सो आपका आंसर हो जाएगा माई फादर डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड, ठीक है. नेक्स्ट, अ रियली गुड कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स अप द मिरर टू गवर्नमेंट एंड इनेबल्स द पब्लिक एज वेल एज लीडरशिप टू आइडेंटिफाई शॉर्टफॉल्स. सो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है किसी भी पार्ट में. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि कहीं पर आपको लग सकता है क्या एरर. मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ इसका. अ रियली गुड कॉन्स्टिट्यूशन, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफकोर्स होल्ड्स अप द मिरर टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को आईना दिखाने के काम आता है, एंड ऑल्सो पब्लिक को भी एज वेल एज लीडरशिप, ताकि भाई उनको पता चले कि कहाँ पर वो गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी कोई एरर है नहीं वैसे. ओके, नेक्स्ट वन, वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट अ स्नेक बिट मी एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज इन अ हरी. अब देखिए गाइस, जब भी आप ना स्टार्टिंग में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बिगिन करते हैं, यू ऑलवेज नीड अ सब्जेक्ट फॉर इट, ठीक है. क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, एक ऐसा वर्ब जो आप एक नाउन के लिए यूज करते हैं. अब अगर आप सोचें कि मैम स्नेक है तो यहाँ पर सब्जेक्ट, बट देन स्नेक थोड़ी ना वॉक कर रहा था फील्ड में, आई वॉज वॉकिंग, या कोई पर्सन वॉक कर रहा होगा, है ना. सो आप यहाँ पर वाइल, यहाँ पर आप स्टार्टिंग में ऑप्शन नंबर ए में ऐसे लिख सकते हो, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट अ स्नेक बिट मी, क्योंकि इस सेंटेंस का अभी मतलब ये आ रहा है कि स्नेक जो है वो वॉक कर रहा था फील्ड में और उसी ने मुझे बिट किया, बाइट किया, ठीक है. अब आप क्या कर रहे थे वो नहीं बता रहे हो आप फिर, है ना. सो दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको इसको चेंज करके ऐसे लिखना पड़ेगा, वाइल आई वॉज वॉकिंग, ताकि ऑफकोर्स आप अपने, सो ये वॉकिंग को आप सब्जेक्ट दोगे और करेक्ट सब्जेक्ट दोगे, आप वॉक कर रहे थे तो वॉकिंग के साथ आई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. और स्नेक वॉक नहीं कर रहा था, आप वॉक कर रहे थे, ठीक है. और वैसे भी स्नेक वॉक नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट वन, फुलिशली रजनी ओपन द कुकर व्हेन इट वाज फुल स्टीम एंड बर्नड हर हैंड्स. सो देखिए गाइस, अगर आप सोचो कि मैम फुलिशली स्टार्टिंग में कैसे आ गया, अगर आपको ऑप्शन नंबर ए में एरर लगे, तो मैं आपको उसका एक रूल याद दिलाती हूँ गाइस. मैंने आपको बताया हुआ है दैट कभी कभी क्या होता है, समा बांधने के लिए, थोड़ा सा रीडर का अटेंशन ग्रैप करने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर को हम स्टार्टिंग में देते हैं, ठीक है. दैट इज़ द वे दे हैव रिटन इट. सो ए में मत मार्क करना, एरर है ऑप्शन नंबर सी में, इट वॉज फुल ऑफ स्टीम या इट वॉज स्टिल स्टीमिंग. आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, बट इट वॉज फुल स्टीम जो है वो गलत होगा. सो फुल ऑफ स्टीम या स्टिल स्टीमिंग, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो ऑप्शन नंबर सी में. नेक्स्ट, आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू हैज़ लेन टू मी. अब देखिएगा गाइस, आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है ही, आपने मार्क कर दिया होगा इसको. सो गाइस, लेन जो है वो एक्चुअली में इस वाले लाए का थर्ड फॉर्म होता है. अब देखिए ना, यहाँ पर यही बोलना चाह रहे हैं ना, वो झूठ बोला. सो आई एम रियली सॉरी टू लर्न टू नो दिस फैक्ट कि एक रीजनेबल मैन जैसे तुम हो, उसने मुझसे झूठ बोला. सो ऑफकोर्स एक रीजनेबल मैन कैसे झूठ बोल सकता है, वही वो बोलना चाहते हैं. सो यहाँ पर हैज लेन नहीं होगा गाइस, हैज लाइड होगा. क्योंकि हाँ, लेन जो है वो बिल्कुल V3 फॉर्म ज़रूर होता है, बट इट इज़ द V3 फॉर्म ऑफ वो वाला लाई, कि भाई जब आप अपने आप को लिटा देते हो, जैसे मैंने आपको बोला ना, जब आप लेटते हो, यू आर लाइंग डाउन, है ना. सो वो वाले का V3 फॉर्म लेन है यहाँ पर. झूठ बोलने का V3 फॉर्म लाइड ही होता है, तो आपको यहाँ पर लाइड ही देना है, ठीक है. नेक्स्ट वन, ही फिक्स्ड अ मेटल लैडर फॉर द वॉल बिलो हिज विंडो सो एज टू बी एबल टू एस्केप इफ देयर वॉज अ फायर. सो देखिए गाइज, यू डोंट फिक्स
फॉर द वॉल यू फिक्स टू समथिंग, है ना. सो यहाँ पर टू द वॉल होगा, यहाँ पर इसकी जगह पर He fixed a metal ladder to the wall. Wall पर उसने metal ladder लगाई and so as to का मतलब होता है ताकि वो escape कर सके, if अगर वो कोई fire होती है तो escape कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर you don't fix for, you fix to something. Okay, then next one. Going towards, अच्छा I hope everybody is understanding why I'm, you know, going that fast. I'm trying to get to tell you the rule also. और साथ ही साथ मेरे mind में short video का भी idea रहता है. Okay, going towards them with some biscuits in the tray, somebody knocked at the door. So अभी हमने एक ऐसा ही question किया था guys. इसमें देखिए अब आपने going starting में जो use किया ना, फिर इसका subject ही somebody हो जाएगा. बट अब आप देखो क्या बिस्किट लेके भी ये somebody जा रहा था क्या, ये तो बाहर से आया है. अब कोई मेहमान आया है वो है somebody, उसने नॉक किया डोर, बट आप अंदर घर के थे, आप बिस्किट्स लेकर जा रहे थे, तो आपने अपने लिए कहाँ सब्जेक्ट दिया फिर इधर, है ना. सो दिस इज रॉन्ग. सो अगेन यहाँ पर वैसा ही रूल लगेगा, वाइल गोइंग टूवर्ड्स देम ऐसा करके कुछ आप बोलेंगे, ठीक है ना. वाइल आई वॉज गोइंग या ही वॉज गोइंग, सो आई या ही दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हो, सब्जेक्ट देने से मतलब है. नेक्स्ट, If I would have realized what a bad driver you were, I would not have come with you. So guys, ये again हमारा third conditional का rule है. There are four conditionals. Third conditional का rule है ये. जब आप if लगा रहे हैं यहाँ पर तो उसके साथ आप would नहीं लगाओगे उस clause में. ठीक है, दूसरे क्लॉज में वुड आता है, वो चीज़ बिल्कुल सही है. सो आप इसमें क्या बोलोगे, इफ़ आई हैड रियलाइज्ड, और दूसरी चीज़ें ये भी चेंज करना पड़ेगा. यस, सो आप यहाँ पर हैव नहीं लिखोगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, पास परफेक्ट रहता है वहाँ पर. ठीक है ना, सो इफ आई हैड रियलाइज्ड वॉट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विद यू. ये आपका सही आंसर होगा. ठीक है, He confidently asked the crowd if they thought that he was right and the crowd shouted that they do. अब देखिए गाइज यहाँ पर ये पास्ट टेंस में सेंटेंस चल रहा है, उसने कॉन्फिडेंटली पूछा क्राउड से कि वो क्या वो सोचते हैं कि वो राइट है, और क्राउड ने शाउट भी किया, तो यहाँ पर आप वी वन कैसे दे सकते हो, दैट दे डिड आप बोलोगे वी टू फॉर्म, क्योंकि ऑब्वियसली सब पास्ट टेंस में है, तो डू को भी आप पास्ट फॉर्म में ही लिखोगे, दैट इज डिड. ठीक है, नेक्स्ट वन. The father told his son that he was a lazy boy and that he has done his work very badly. So, आप देख रहे हैं कि अगेन हम यहाँ पर past tense में बात कर रहे हैं. So, option number C में आपको has done की जगह had done लिखना पड़ेगा. So, father told his son कि वो एक lazy boy है, lazy boy था, and उसने जो अपना काम करा था ना वो बड़ी ही बुरी तरीके से किया था. सो यहाँ पर हैज़ डन जो है वो उसको प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा है, बट आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बना सकते हो, आपको उसको हैड डन लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू सी द टेंस ऑल्सो इन द सेंटेंस. इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर ऑफ वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अबिलिटी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अबिलिटी होना चाहिए. ऐसा क्यों, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नाउन है, राइट, एन अबिलिटी भी नाउन है, तो आपको वहाँ पर उसका एडजेक्टिव फॉर्म देना है एडमिनिस्ट्रेटिव. हैविंग अ वे विद वर्ड्स का मतलब ये होता है कि जब आपको अच्छे से बोलना आता है, ठीक है, आप किसी को कन्विंस कर सकते हो अपनी बातों से. सो इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, आप देखिए कॉमा यहाँ होना चाहिए, बट देन पंक्चुएशन के एरर आप नहीं काउंट करते हो. अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड तीसरी चीज़ क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव अबिलिटी, यू मे इन्जॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड. ठीक है, नेक्स्ट वन. द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पोलिटिकल एग्जिस्टेंस. अब देखिए गाइज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, कलेक्टिव नाउन, एंड साथ में ही वो काम करें, सो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. देयर की जगह हम सिंगुलर लगाएंगे इट्स. ठीक है, नेक्स्ट वन. He is the most intelligent and also the very very talented student of the college. So guys, जब भी हम you know दो adjectives को and से connect करते हैं या जितने भी, तो हम ये बात ध्यान रखते हैं कि उसका जो degree है वो same हो. अब most intelligent लिख के आप यहाँ पर very talented लिख रहे हो, very से आप degree you know very is an adverb, बट आपको उसको superlative degree में रखना है क्योंकि most intelligent आपने बोला है. सो यहाँ पर very की जगह most talented हमें लिखना पड़ेगा. ठीक है, द सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन इट्स विजन ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट द कंट्री विल सीक टू बिल्ड थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशन. सो काफ़ी हैवी वर्ड्स है, पर इसके अंदर कहीं पे भी एरर नहीं है गाइज.
इसका मतलब क्या है? द सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है, इट लाइज इन इट्स विजन ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटी. मतलब बेसिकली किस तरीके की सोसाइटी एक कंट्री चाहेगी बिल्ड करना थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशन. अब ये इट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ किया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट होता है तो किस तरीके की कंट्री बिल्ड करना चाहेंगे, मतलब किस तरीके की सोसाइटी एक कंट्री बिल्ड करना चाहेगी, वो चीज़ एक यू नो कॉन्स्टिट्यूशन के सोल में होती है. तो कहीं पर भी एरर नहीं है. आई एम इंटेंडिंग टू डू 30 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. चलो आगे बढ़ते हैं. नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप. अब इस केस में गाइस देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि मैम एंटर्ड कर दें इसको क्या बी में, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको. नो सूनर के बाद है हेल्पिंग वर्ब तो दोगे, है ना? आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया, नहीं दिया, दीजिए. नो सूनर के साथ दो क्वेश्चन आ सकते हैं. एक तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला आ सकता है, दूसरा वो आपका ये भी पूछ सकते हैं कि आपको इसका कॉम्बिनेशन पता है क्या. सो नो सूनर के साथ दैन लगता है वो तो बिल्कुल ठीक है, बट जैसे ही आप डिड लगाओगे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि डिड के साथ हम V1 लगाते हैं, राइट? सो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास दैन द स्टूडेंट्स स्टूड अप. ठीक है, नेक्स्ट वन. He should refrain to associating himself with any party because people have faith in his integrity. अब देखिए गाइज, यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड. सो रिफ्रेन के बाद आप टू नहीं लिखते हो, रिफ्रेन के बाद हम फ्रॉम लिखते हैं, वो चीज़ याद कर लीजिए. बाकी ing उसके बाद लगता है वो बिल्कुल सही है. सो यहाँ पर फ्रॉम लगेगा. नेक्स्ट, आई डिड नॉट नो हार्डली एनी वन इन द कॉलेज एंड सो फेल्ट लोनली ऑल द टाइम. अब देखिए गाइस, इसके अंदर जो ब्रेक आपको दिया है उससे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. इस सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं. आई हार्डली नो न्यू एनी वन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, बट इसने इसमें ब्रेक अलग तरीके से दिया हुआ है. सो इसका बेस्ट वर्जन क्या होगा कि आप इसमें से ना हार्डली हटा दो. ठीक है, आई डिड नॉट नो एनी वन इन द कॉलेज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा. सो आप हार्डली हटा दो आई डिड नॉट नो एनी वन इन द कॉलेज, क्योंकि क्या है ना कि हार्डली के साथ आप नॉट नहीं लगाते हो, है ना? बट अगर आप ऐसा बोलना चाहोगे कि आई हार्डली नो एनी वन इन द कॉलेज, तो फिर आप ए और बी दोनों में एरर क्रिएट कर दोगे, तो वो हम नहीं कर सकते. तो हम क्या कर सकते हैं, हम हार्डली हटा दें, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि आप फिर नॉट तो नहीं, नॉट तो सही है फिर वहाँ पर. ठीक है, द राइट टू स्पीच इज टेम्पर्ड विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज इट ज्यूडिशियसली. सो गाइज, इसके सेंटेंस में कहीं पे भी कोई एरर नहीं है. टेम्पर विद, अगर आपको लगता है कि मैम यहाँ पर तो टैम्पर होना चाहिए, टैम्पर का मतलब होता है किसी एविडेंस को खराब करना, यहाँ पर वो नहीं बोल रहे हम. टेम्पर का मतलब टेम्पर विद, सो एक तो टेम्पर होता है आपका टेम्पर लूज हो गया वो अलग है, टेम्पर विद का मतलब होता है टू एक्चुअली ब्रिंग टुगेदर. ठीक है, स्ट्रेंथन द मटेरियल टुगेदर. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द राइट टू स्पीच इज टेम्पर्ड विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज इट ज्यूडिशियसली. हर किसी के पास राइट टू स्पीच है, पर अगर आप उसको वाइजली यूज नहीं कर रहे हो ना, तो बेकार है आपका राइट टू स्पीच. ऐसे नहीं कि राइट टू स्पीच हम कुछ भी बोलेंगे, सोच समझ के बोलना चाहिए. दैट इज वॉट देर ट्राइंग टू से. ओके, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लग रहा है ऑप्शन नंबर सी में. नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड होना चाहिए. नॉलेज के लिए आप वहाँ पर वर्ब यूज कर रहे हैं. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर. सो गाइज, जब आप यू नो इमेजिनेशन करते हैं तो फिर आपका जो मॉडल यूज होता है उस केस में वो होता है वुड. सो इफ आई वर तो सही लगा है, आई वुड वर्क होना चाहिए ना कि आई विल. ठीक है, नेक्स्ट. He deserted the path of honor in order to satisfy his ambition and then went down his doom very quickly. So, yahan par guys, hamara jo answer hai, wo hai option number C. You don't go down the doom, but you meet the doom. ठीक है? So, and then met his doom होना चाहिए यहाँ पर. You don't go down. Doom का मतलब होता है जब आप तबाह हो जाते हो, है ना? So, उसने path of honor को छोड़ा. Desert करने का मतलब है छोड़ दिया, ताकि वो अपना ambition satisfy कर सके. एंड उस चक्कर में क्या हुआ कि उसको फेलियर देखने को मिला. तो डूम का मतलब है तबाही, फेलियर. यू डोंट गो डाउन द डूम, यू मीट द डूम. ठीक है, सो मेट हिज डूम होना चाहिए वहां पर, ना कि वेंट डाउन. नेक्स्ट, हाउ मच टाइम हैव आई स्पेंट. ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्नड दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लॉक्ड बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे.
सो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो कि थिंग्स वर टेकन अवे, है ना. यहाँ पर आपने इसके लिए यूज किया है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया है? नॉट ओनली बट ऑल्सो में एक और चीज हो सकती थी कि आप पार्ट ऑफ स्पीच चेक करिए, नॉट ओनली के बाद भी नाउन है बट ऑल्सो के बाद भी नाउन है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है. बट येस, थिंग्स के बाद थिंग्स वर टेकन अवे आना चाहिए, वो मिसिंग है ऑप्शन नंबर सी में. Next one, once we were dwelt by the seaside, but now we have settled ourselves in Mumbai. So guys, यहाँ पर हमारा जो error है वो है option number A. Once we were dwelt नहीं होगा, क्योंकि were dwelt से मतलब हो जाएगा कि हम passive voice में उसको कर रहे हैं, जबकि हम ही तो रह रहे हैं. Dwell का मतलब होता है रहना, हम ही तो रह रहे हैं, तो हम ही तो doer हैं, तो हम इसको active voice में लिखेंगे ना. So ये आप हटा दीजिए. वंस वी dwelt by the सी साइड मतलब एक टाइम था कि हम सी साइड पर रहा करते थे, पर अभी तो हमने अपने आप को मुंबई में सेटल कर लिया है. सो ए में से वर हटा दीजिए. लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, नितिन्स नेफ्यू हु लिव्स इन बैंगलोर इज ईगर टू ट्रैवल टू दिल्ली टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल. सो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है. मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ पॉसिबल एरर लग सकता है क्या. नितिन का जो नेफ्यू है वो जो रहता है बैंगलोर में, इज़ ईगर टू ट्रैवल मतलब वो चाहता है दिल्ली ट्रैवल करना, टू हैव अ ग्लिम्स मतलब कैसी है सिटी वो फाइंड करने के लिए. ठीक है, सो दैट इज इट गाइज फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑफकोर्स आई विल सी यू टुमारो विद पार्ट 6. या जस्ट शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.